स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्राइस ऑफ पेन इज 82.50, फाइंड द प्राइस ऑफ 15 सच पेंस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ अ पेन, यानी एक पेन की प्राइस दी है हमें 82.50, 15 की निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमें एक पेन की प्राइस दी है 82.50, 15 की पता करनी है, मल्टीप्लाई करके एक में एक। कैसे? 82.50 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 पेन्स की निकालनी है। 15 जीरो का जीरो, 15 फाइव सा 75, 5 नीचे 7 कैरी, 15 टू सा 30, 30 प्लस 7 37, 7 3 कैरी, 15 एट सा 120, 120 प्लस 3 123। मल्टीप्लाई कर लिया, पीछे से देखा कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, दो डिजिट के बाद, हमने भी दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। हमारा कितना आ गया आंसर? 1237.50। तो वन पेन का प्राइस कितना था? 82.50। 15 पेन्स कितने रुपए के हो गए? 1237.50 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स आर रुपीज 1524, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बैग। 12 बैग्स का प्राइस कितना दिया हुआ है? 1524, वन बैग का निकालना है। एक का दिया था हमें, 15 का निकालना था, मल्टीप्लाई किया था, 15 का दिया है, वन का निकालना है। क्या करेंगे? डिवाइड। 12 बैग्स के कितने दिए हैं? 12 बैग्स है हमारे 1524 के, तो इन्हें बताया है हमारा एक बैग कितने का होगा। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम पता करेंगे 1524। डिवाइड करना है कितने बैग्स का दिया हुआ है? 12 बैग्स का। क्या 12 बचा? 12 कितना बचा? 3, 2 नीचे आ गया, 12 टू सा 24, 12 टू सा 24, रिमेनिंग 8, 4 नीचे आ गया, 12 की टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है? 7 बार में, 12 7 सा 84, तो 12 बैग्स का प्राइस जो था कितना था? 12 बैग्स थे हमारे 1524 के, वन बैग कितने का आ गया हमारा? रुपीज 127 का। वन बैग का प्राइस कितना निकल गया? रुपीज 127। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रो वाज कटिंग इनटू टू पीसेस मेजरिंग 1/4 by 3 एंड 3/7 by 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप बिफोर कटिंग। एक रोप है, रोप यानी रस्सी, उसे कितने टू पीसेस में काट दिया गया है और उन दो पीसेस के मेजर क्या है? 1/4 by 3 एंड 3/7 by 3। ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, हमने इसे इंप्रॉपर में कर दिए। 3 1 3, 3 + 4 7, 7/3, 3 3 9, 9 7 16, 16/3। ये दोनों मिक्स में थे, इंप्रॉपर में कर दिए हमने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रो वॉज कटिंग इन टू थ्री पीसेस। सपोज हमने ये मान लिया ये रस्सी है, इसे दो पीसेस में काट दिया, एक पार्ट हो गया 7/3 और सेकेंड पार्ट हो गया 16/3। उन्हें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट बिफोर कटिंग, कटने से पहले वो रस्सी कितनी बड़ी थी। तो ये हो गई इसकी टोटल लेंथ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल रस्सी कितनी बड़ी थी। ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे? 7/3 प्लस 16/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक बार आ गया, 7 + 16 कितना हुआ? 23, 7 + 16, 23/3। लेंथ किसकी हो गई? स्लोप की, 23/3। क्वेश्चन हमें किसमें दिया था? मिक्स फ्रैक्शन में, आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? 23 को डिवाइड करेंगे 3 से, 23 को 3 से डिवाइड किया, 3 7 21, रिमेनिंग 2, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख लिया हमने? 3 2/7। तो लेंथ ऑफ रोप क्या हो गई हमारी? 3 2/7। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 948, इफ वन नंबर इज 12 फाइंड द अदर नंबर। कोई भी दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लायर कितना है? 948। हमने ले लिया ए और बी दो नंबर है, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना है? 948। इसके बाद एक नंबर हमने दिया हुआ है हमें 12,
दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है. क्या बोल रहे क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 948. दो नंबर हमें दिया है 948, एक नंबर उन्होंने दिया है 12. फाइंड द अदर नंबर. दूसरा नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके. 948 को डिवाइड करते हैं 12 से. 12 की टेबल में 94 आता है, नहीं उससे छोटा क्या आता है, 84. 12 7 सा 84, 12 7 सा 84. 4 में से 4 है 0, 9 में से 8 है 1, 8 नीचे आ गया. 12 की टेबल में 108 आता है, कितनी टर्म है, 12 9 सा 108, 12 9 सा 108. माइनस किया 0 0 0. 12 एक नंबर हमें गिवन था और सेकंड नंबर कितना निकल आया हमारा, 79. फर्स्ट नंबर 12 गिवन था, सेकंड नंबर आ गया 79. हम चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट 948 है. 12 इंटू 79 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 948. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे. घर पे बैठ के पढ़ाई करिए.